तो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स क्या होता है, इसके लिए चलते हैं विजुअल बेसिक में। एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। सब वेरिएबल यूजेस जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डेटा है और इसमें मुझे एक यहाँ पे एक नाम एंटर कराना है, राइट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, रेंज बी, यानी कि हमें नीचे से आना है 65,000 से चलते हैं नीचे, डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट पहले ब्रैकेट में रो 1 डाउन करना है कॉलम 0 डॉट सेलेक्ट और एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। जैसे मान लीजिए हमने कुछ नाम डाला सोहन, राइट, सोनम डाला। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे और एक मैसेज बॉक्स मैसेज बॉक्स के बारे में आगे बताऊंगा, फिलहाल आप देख लीजिए क्या होता है मैसेज बॉक्स। स्पेस देते हैं, प्रॉम्प्ट का नाम लिखते हैं योर नेम इज सोनम। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अभी जिसको मैं रन करता हूँ क्या होगा, यहाँ पे जाके नीचे से आएगा और यहाँ पे जाके एक वैल्यू एंटर करेगा। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, रन किया मैंने इसको तो यहाँ पे नाम आ गया सोनम और यहाँ पे योर नेम इज सोनम आ गया। तो बाय मान लीजिए आपने यही चीज़ें दो चार बार, दो ये तो यहाँ पे आपको डालना पड़ा। अब मैं जैसे मुझे दूसरा नाम एंटर कराना है तो मैं क्या लिखूँगा, जैसे सोनू, तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे भी जाके सोनू लिखना होगा, राइट। तब मुझे क्या हुआ, आपने देखा कि मुझे दो जगह ये नाम चेंज करना पड़ा। मान लीजिए यदि आप ऐसी चीजें आपको बार, यानी कि मुझे तो यहाँ पे दो बार चेंजेस करने पड़े, दो जगह ये इसका यूज हुआ इस नाम का। हो सकता है आप जब कोई रूटीन लिखो तो दो से ज्यादा बार भी लिखना पड़े, तो इसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नाम वेरिएबल का नाम दे दिया ई नेम, ठीक है, और यहाँ पे इस पे वैल्यू असाइन कर दी ई नेम इक्वल टू जो यहाँ पे डालेंगे, जैसे सोनू, और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा इसकी जगह पे ई नेम डाल दूंगा और यहाँ पे भी इसके साथ कोऑर्डिनेट कर दूंगा मैं एन पर्सन के साथ ई नेम। इसको रन करके दिखाता हूँ मैं, माफ कीजिए इसको मुझे हटाना होगा यहाँ से। ठीक है अब रन करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गए सोनो। तो मुझे क्या हुआ, मुझे दूसरा कोई नाम एंटर कराना, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहीं पे बस वैल्यू चेंज करना होगा। जैसे राखी डाला, अब मैंने रन किया तो आपने देखा मुझे वैल्यू है बस एक ही जगह चेंज करना हुआ, मुझे दो जगह चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे भी वैल्यू इसकी जगह, मैं आपको एक लोकल विंडो है वो ओपन कर लेता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यदि आप वेरिएबल लिखते हो व्यू लोकल विंडो, लोकल विंडो कर लेता हूँ साथ में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और F8 की के साथ मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ के इनेम मॉड्यूल में, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, वेरिएंट। अब मैं इसको रन करता हूँ F8। अब इसके ऊपर क्या वैल्यू असाइन अगर राखी, तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा होगा ई नेम ये लिखा होगा, वहाँ वहाँ पे उसकी जगह वैल्यू क्या जाएगा, राखी जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए ई नेम इक्वल टू क्या आ रहा है, राखी लिखा हुआ आ रहा है। अब मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे आप चाहते हो कि यहाँ पे ना लिख के किसी यूजर से इनपुट कराना चाहते हो, जैसे मुझे तो यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ रहा है कि हाँ इस पे कोई वैल्यू क्या डाले नेम की इक्वल, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है वो डाल देता हूँ। इसके बारे में भी बाद में सीखेंगे इनपुट बॉक्स के बारे में, फिलहाल भी मैं आपको बता देता हूँ इनपुट बॉक्स स्पेस दोगे इनपुट बॉक्स, इसमें डाला प्लीज एंटर योर नेम, ओके ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा जब भी ये रन होगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैनुअली टाइप नहीं करना होगा, जब मैं रन करेगा ये यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आएगा, मुझसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है। मैं रन करता हूँ, देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे डाला नाम मैंने अपना कैश, तो इसको ओके करूँगा तो यहाँ नाम पे एंटर हो जाएगा और मैसेज बॉक्स में भी आ जाएगा। अब मान लीजिए बाय चांस आपने ये वेरिएबल लिखा यहाँ पे, और बाय चांस आपने गलती से उसका नाम है मिसस्पेल कर दिया, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये हटा दिया इन दोनों में, तो क्या होगा, मैं आपको रन करता हूँ फिर से, देखिए F8 की के साथ आपको रन करके दिखाता हूँ फंक्शन F8 की वेरिएबल। देखिए आप यहाँ पे इनपुट डाला मैंने सुमन एंड ओके किया मैंने, क्या देखिए अब यहाँ पे इस पे वैल्यू सुमन असाइन हुआ है, अब यहाँ पे भी अभी क्या वैल्यू है ब्लैंक, यहाँ पे भी ब्लैंक, दैट मीन्स क्या होगा आगे जब मेरा कोड रन होगा तो क्या होगा ये जो वैल्यू है यहाँ पे ब्लैंक ही जाएगा, देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, योर नेम इज ब्लैंक। तो बहुत बार हो सकता है जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो सकता है आपने उस पर मिसस्पेल कर देते हो, बहुत बार हो सकता है ऐसा, तो इसके लिए आप अपने मॉड्यूल के सबसे ऊपर आप ये लिख सकते हो ऑप्शन एक्स एक्सप्लिसिट। अब इससे क्या होगा जो भी वेरिएबल होगा नॉन जो वेरिएबल डिफाइन नहीं होगा वो एरर अब यहाँ से कोड रन नहीं करेगा जब तक हमारा वेरिएबल डिफाइन नहीं करेंगे। देखिए अब ये वेरिएबल, अब वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या होगा ना हमारे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है, जैसे ई नेम है मुझे इसके वेरिएबल डिफाइन करना, सबसे पहले लिखो डिम, लिखोगे डिम के बाद आप एक सिंगल स्पेस दोगे, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, जैसे मेरा वेरिएबल का नाम क्या है ई नेम, उसके बाद स्पेस दोगे एज लिखोगे, फिर इसके बाद एज देते आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें आप क्या डालोगे स्ट्रिंग, क्योंकि जो हम नेम एंटर करा रहे हैं वो एज क्या है स्ट्रिंग है।
इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन करोगे, अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, अब मेरा ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा जब तक मेरा जहां जहां पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, अगर वो नॉन वेरिएबल डिफाइन है तो वहां पे जाके वो रुक जाएगा, वहां पे वो नहीं चलेगा। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए रन करते ही सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखिए जाते यहाँ पे पता है कि ये जो है ये वेरिएबल नॉट डिफाइंड बता दे, यहाँ पे एरर आ गया, कंपाइलर एरर, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं है। इसलिए जैसे ये डिफाइन करने के लिए क्या करना होता है, डिम लिखोगे उसके बाद स्पेस दे के अपने वेरिएबल का नाम और उसके बाद एज ए स्ट्रिंग जिस तरीके का डेटा टाइप होता है वो, तो मैंने लिखा ओके किया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ई डालूंगा यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी ठीक करना। अब मैं रन करूँगा तो मेरा कोड परफेक्ट रन करेगा। अब देखिए रन करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मनी, ओके किया, देखिए आ गया योर नेम इज मनी। अब जो डेटा टाइप होते हैं बहुत बहुत तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। फिलहाल हम अभी जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है, अभी यहाँ पे हमारे पास किस तरीके का डेटा चाहिए, यहाँ पे एक नंबर है जो टेक्स्ट होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं VBA के अंदर, और जो डेट होता है एज अ डेट होता है। तो मान लीजिए अब मुझे इसके अंदर वैल्यू एंटर कराना है इस वाले में आईडी के अंदर एक वैल्यू एंटर कराना है इसके साथ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी की जगह ए कर देता हूँ मैं, ए राइट। तो उसके बाद यहाँ पे डॉट वैल्यू इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, इस सेल का +1। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं, ये तो नाम है तो आईडी, तो डीम आईडी एज इंटीजर, एक नंबर का टाइप है इंटीजर नंबर। और उसके बाद एक और क्या है मेरे पास, वो है स्ट्रिंग, उसके बाद क्या हमारे पास डेट है, तीसरा हमारा वेरिएबल क्या है मान लीजिए एम्प्लॉय डेट एज ए, यहाँ पे डिम लिखना हम भूल गए, डेट इसके आगे डिम लिख देते हैं डिम, ठीक है ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसमें वैल्यू स्टोर कराना है, जैसे आईडी पे आईडी इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब मुझे क्या करना है, इसका +1 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मुझे ये वैल्यू चाहिए तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट जाएगा माइनस माइनस 1,0 डॉट वैल्यू, और आईडी पे प्लस कराना तो आईडी इक्वल टू आईडी +1। अभी पहले इस पे क्या होगा, मेरा ये 1 वैल्यू आएगा, इस पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार फंक्शन फिट की गेस, ये पे वेरिएबल डिफाइन नहीं किया डॉट वैल्यू, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। अब रन करते, फिट की, अब देखिए अब इसको रन करूंगा, आईडी इक्वल टू 0 है एफ इट, तो आईडी इक्वल टू कितना हो गया
सिक्स, यहाँ पे क्या होगा, सिक्स इक्वल आईडी इक्वल टू सिक्स प्लस वन होगा, क्या होगा, सेवन हो जाएगा। तो एफ एट की यहाँ से इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आईडी एंटर हो गया हमारा यहाँ पे, यहाँ पे इस बार क्या करते हैं, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी, आईडी हो गया। उसके बाद नेम, यहाँ पे हमारा ई नेम है इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1। डॉट वैल्यू इसे, माफ कीजिए मुझे यहाँ पे इनपुट बॉक्स डालना है क्योंकि मुझे वैल्यू यूजर से चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डालते हैं इनपुट बॉक्स, ये वाला उठा लेते ऊपर वाला, इसको उठा के यहाँ रन करते हैं कंट्रोल एक्स। यहाँ से हमारा नेम आ जाएगा, और नेम को कहाँ पे डालना है हमें, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट रो 0,1, एक कॉलम मूव करके डॉट वैल्यू इक्वल टू ई नेम। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, डेट बच गया। डेट क्या होगा, इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए हम क्या लिखेंगे, डेट, ई डेट इक्वल टू इनपुट बॉक्स डबल कोट्स के अंदर डालेंगे प्लीज एंटर योर डेट, राइट। अब इसको हमें कहाँ पे स्टोर करना है, जो भी डेट आएगा एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डेट। अब क्या हो गया, इन तीनों पे हमारे पास वैल्यू आ गया है जिससे हम वैल्यू स्टोर कराएंगे, और इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एज ए कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो मेरे पास ये मैसेज लास्ट में डिस्प्ले होगा। तो मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, प्लीज एंटर योर नेम, क्या लिखेंगे, लिखा अपना नाम कैश, एंटर किया, उसके बाद एंटर योर डेट 1 जून 2022 21, ओके किया, एंटर किया मैंने, देखिए यहाँ पे वो डेट भी आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, इसका डेटा टाइप ये होगा, बाय चांस हमने डेट है जैसे, डेट तो यानी कि एक डेट ही होना चाहिए, और मैं डेट के लिए कुछ और डालता हूँ फिर क्या होगा, चलिए एक बार रन करके देखते हैं फिर से, फिर क्या होता है, राहुल एंटर मारा मैंने, उसके बाद दूसरा आया डेट, राहुल की जगह मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 जून, ठीक है, ओके किया मैंने, एंटर मारा, तो क्या होगा, टाइप मिक्स मैच, रन टाइम एरर आएगा क्योंकि ये हमारा जो है डेटा टाइप है वो डेट है, और जो हमने एंटर कराया है वो एक डेट नहीं है, समझे। तो यदि हम कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो वो वैल्यू उसी तरीके का स्टोर करता है, जैसे इंटीजर है, इंटीजर का आई थिंक 32,000 है, 32,000 या 33,000 कुछ, मैं इसको रन, यदि 32,000 33,000 से ज़्यादा एक्सीड होता है तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, लाखों में कर देता हूँ मैं, ठीक। अब मैं यदि इसको रन करता हूँ तो देखिए अभी भी एरर आएगा, ये विजुअल बेसिक में जाते हैं यहाँ पे, अब फिर से इसको रन करते हैं,
देखिए ये क्या है, ओवरफ्लो क्यों आया दीवार यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका जो डेटा टाइप डाला था इंटीजर डाला था, और इंटीजर में 32,000 तक की वैल्यू स्टोर होती है, यहाँ पे क्या लाखों में है, तो वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा और ये ओवरफ्लो का एरर आ गया। तो डेटा टाइप यदि आप चेक करना चाहते हो डेटा किस टाइप किस किस टाइप के होते हैं, तो इसके लिए आप या तो यहाँ पे इसमें जा सकते हो, एक्सेल पे ही हेल्प है, यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे जाके इसमें हेल्प में जाके यहाँ पे डेटा टाइप आई थिंक सर्च करने पे आ जाए, मैं चेक कर लेता हूँ। ये टाइम ले रहा है आई थिंक, मैं गूगल कर लेता इतना। डेटा टाइप इन VBA, आप कहीं से भी यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से भी आप डेटा टाइप पिक कर सकते हो, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे है या नहीं अवेलेबल। तो देखिए ये रहे डेटा टाइप्स, देखिए ये रहा बूलियन डेटा टाइप होता है ट्रू और फॉल्स जो अपने अंदर स्टोर करता है, करेंसी डेट 8 बाइट का, यानी कि इसकी स्टोरेज की जो मेमोरी के अंदर स्टोरेज लेता है 8 बाइट लेता है, और हम इसका लिमिटेशन कितना है 9999 डेट, इतने तक ये चलेगा। उसके बाद डेसिमल में देख लीजिए आप यहाँ पे लिमिटेशन इसकी क्या है, डेसिमल डेटा टाइप होता है, उसके बाद डबल डेटा टाइप होता है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक आप इतना डाल सकते हो, और इंटीजर होता है देखिए 32,776 माइनस से लेके 32,767 पॉजिटिव में, फिर लॉन्ग में कितना होता है इतना होता है। तो इस तरीके से डेटा टाइप होता है, और डेटा टाइप वो है यदि आप डिफाइन करते हो तो आप जो जो भी इनपुट होगा उसके लिमिटेशन के अंदर होगा। भाई इससे डेटा टाइप डिफाइन करने से क्या होता है, आपका जो है जो एक तो मिस्टेक नहीं होते कहीं पे भी, और यदि आप डेटा टाइप इंटीजर ले रहे हो दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो वैल्यू आएगा 32,000 के रेंज में ही आएगा, यदि उससे ज़्यादा फिर आपको दूसरा लेना होगा। इससे क्या देखिए ये 2 बाइट का स्टोरेज ले रहा है, इससे क्या होगा यदि आपने कहीं पे प्रोग्राम में बहुत बड़ा लिखा है और आपने इसकी ये ले लिया तो आपका कोड क्या होगा स्लो हो जाएगा, और यदि आप इसको लेते हैं तो आपको वो थोड़ा फास्ट चलेगा वो।